इंडिया गठबंधन 400 से पार लेकर आएगा, ये मेरा मानना है और ये मेरा विश्वास है। इस बार हम देश में बदलाव, फिर वही हिंदू मुसलमान, फिर वही मंगलसूत्र, फिर वही गाय भैंस की कहानियां। 4 जून को 400 पार कुल मिलाकर गठबंधन की सीटें आएगी। अजमेर तो गरीबों का हज का जगह है और ये वो स्थल है जहां सारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हिंद का बादशाह है। इसलिए हम ये समझते हैं कि जो भी हिंदुस्तान में बड़े बड़े फैसले होते हैं तो उनका दरबार यहाँ लगता है और हम एक उम्मीद लेकर आए कि अभी जो देश में हालात पिछले कई सालों से चले और देश के लोगों के हाथ में एक हथियार 2024 इलेक्शन के नाम से था जो परसों इख्तिताम हुआ, तो हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि इस 2024 के बाद में देश में बदलाव आएगा और ऐसी सरकार आएगी जो गरीबों, मुफलिसों, पिछड़ों, विकलांगों, बेरोजगारों कि वो मदद करे, ऐसी सरकार आ सके जिसके लिए हम दुआ मांगने आए थे। 400 पार तो मैं बड़े दरबार से निकला हूँ और इंडिया गठबंधन 400 से पार लेकर आएगा, ये मेरा मानना और ये मेरा विश्वास है। आप कहाँ कहाँ चुनाव में गए, वहाँ पर कैसे गिरे? मैं 4-5 स्टेटों में गया और पूरी देश की जनता किसी जात से, किसी बात से था, किसी उम्र ग्रुप के था, वो सारे लोगों के मन में था कि इस बार हम देश में बदलाव चाहते हैं। हम नहीं मतलब ऐसी सरकार देखना चाहते हैं जो लोगों को आपस में बांटे, जो उनका काम ही नहीं है, जो जिस सरकार का लोगों का मदद करने का होता है 10 साल के बाद उन लोगों को अपने कामों को गिनाना चाहिए, फिर वही हिंदू मुसलमान, फिर वही मंगलसूत्र, फिर वही गाय भैंस की कहानियां। इससे अब देश उब चुका है, इसलिए जो कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी की क्यादत में 5 न्याय के प्रोग्राम दिए है, 25 गारंटीज दी है, वो देश की जनता ने पसंद किया, उस पर भरोसा किया, इसलिए हमें पूरी उम्मीद है 4 जून को एक बड़ा मंडे इंडिया गठबंधन के नाम से आए। मैं कह तो रहा हूँ 400 पार, मैं बड़ी जियारत से बोल रहा हूँ, 400 पार कुल मिलाकर गठबंधन की सीटें आएंगी। यही देश का माहौल था, यही देश की इच्छा। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।